वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं आपका दोस्त डांगी सर, और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में और मध्य प्रदेश का गठन और विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे। ये है ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट टू। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा तो निवेदन है, कृपया डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप कृपया पहले भाग को देखें। और वीडियो पर भी यहाँ पर अभी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, सजेस्ट कर देंगे हम वीडियो, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, अगर आप कंप्यूटर से चला रहे हैं तो इस बटन पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या आप मोबाइल में हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे की तरफ जहां चैनल का नाम लिखा है वहां हमारा सब्सक्राइब लिखा होगा मोबाइल में, वहां पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लें। उससे फायदा ये होगा कि जो भी नए वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको इजीली मिल जाएंगे और आपको आगे भी इन वीडियोस को सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि किसी तरह की कोई समस्या, कुछ क्वेरी है या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को जरूर आपके दोस्तों के साथ इसको आप शेयर कीजिए। चलिए एक और जो हमने नया प्रयास किया है वो MPPSC के लिए हमारे द्वारा एक नई वेबसाइट तैयार की गई है, जिसका नाम है www.dkmppsc.com। ये अभी प्रारंभ की जा रही, बहुत इनिशियल स्टेट में है। आप जाकर यहाँ पर MPPSC से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने दो कोर्स प्रारंभ किए हैं। पहला है MPPSC के लिए 2017 जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्रैश कोर्स, तो आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स में भाग ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ का ये पूरा की पूरा कोर्स रहेगा, आप इसके द्वारा ज्वाइन करके अपना तैयारी कर सकते हैं, या फिर फाउंडेशन कोर्स से जो पूरा कोर्स है उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इसको एक बार लॉग इन करके जरूर देखें, यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते रहेंगे, तो इससे आप एक बार जरूर देखें। चलिए अब हमारी बात करते हैं शुरू। बात आती है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की। देखिए, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि भारत की आजादी के बाद, यानी कि 1947 के बाद क्या कंडीशंस हैं। 1947 से 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसके बीच में क्या स्थिति थी, और 1956 के बाद 2000 तक क्या स्थिति थी, 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उसके बाद क्या स्थिति बनी अब तक, तो ये 3 चरणों में हम इन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले बात हम प्रारंभ करते हैं भारत की, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद क्या कंडीशन थी। जब भारत आजाद हुआ था उस समय मध्य प्रदेश नाम की कोई भी राज्य या रियासत नहीं थी, एक चीज तो ये समझ लें आप। जब भारत आजाद हुआ तो जो राज्य थे या रियासतें थी और जो राज्य उस समय बनाए गए थे उनको 4 भागों में बांटा गया था पूरे भारत के। 4 लिस्ट बनी थी, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये 4 तरह की लिस्ट बनाई गई। जो बी राज्य थे, डी थे, उसमें मात्र अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह शामिल था, बस अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह शामिल था डी सूची में। ए सूची में वो राज्य शामिल थे जो कि ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत जो थे उन राज्यों को शामिल किया गया था सूची में। बी और सी में देशी रियासतों से बने राज्यों को शामिल किया गया था। तो ये कंडीशन बन रही थी जब भारत आजाद हुआ था। मध्य प्रदेश के उस समय की बात करें तो वर्तमान जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ये जो आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ था, 4 भागों में बटा हुआ था। जो सबसे बड़ा भाग जो मध्य प्रदेश का जिस क्षेत्र में पड़ता है वो कहलाता था सीपी एंड बरार। ये देख लें, सीपी का मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नामक एक प्रांत हुआ करता था। ये अगर इसकी लोकेशन देख लें तो पूरा छत्तीसगढ़ इसी के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र का पूरा इसके अंतर्गत आता था, और मध्य प्रदेश का लगभग ये पूरा जो क्षेत्र है ये कहलाता था सीपी एंड बरार या सेंट्रल प्रोविजेंस। यहां इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो नागपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी, राजधानी थी इसकी नागपुर, राजधानी इसकी हुआ करती थी नागपुर। और ये जो शामिल था पार्ट ए श्रेणी के राज्यों में शामिल था, सीपी एंड बरार जो शामिल था पार्ट
ए के राज्यों में शामिल था, क्योंकि ये प्रदेश रियासत का एक भाग हुआ करता था। इसमें यहां पर छत्तीसगढ़ की रियासतें, बघेलखंड की रियासतें और विदर्भ जो प्रदेश था, जो ये वाला क्षेत्र था, ये पूरा के पूरा महाकौशल जबलपुर वाला क्षेत्र था, ये पूरा शामिल था। उसके बाद दूसरा जो भाग था वो कहलाता था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में ये वाला हिस्सा शामिल हुआ करता था, जिसे हम कहें रीवा, सतना, पन्ना, ये वाला जो हिस्सा ऊपर का, ये विंध्य प्रदेश में शामिल हुआ करता था। ये 33 रियासतों का हिस्सा था विंध्य प्रदेश जो था, दूसरा वाला विंध्य प्रदेश, ये 33 रियासतों से मिलकर बनाया गया था। 33 रियासतों का भारत में विलय किया गया और बनाया गया। राजधानी इसकी थी रीवा, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो रीवा हुआ करती थी, और इसे पार्ट सी श्रेणी में रखा गया था। ये देख लें, पार्ट सी श्रेणी में रखा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो भाग था वो कहलाता था मध्य भारत। मध्य भारत शेष जो मध्य प्रदेश है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कहलाता था मध्य भारत। मध्य भारत की दो राजधानी हुआ करती थी, एक इंदौर, 6 महीने के लिए इंदौर, और दूसरी हुआ करती थी ग्वालियर। ये 6-6 महीने के लिए राजधानी हुआ करती थी, और ये जो था पार्ट बी श्रेणी का राज्य था, पार्ट बी श्रेणी का राज्य था। देखें यहां पर, ये हुआ पार्ट ए श्रेणी का राज्य सीपीएन बरार, पार्ट बी श्रेणी का राज्य हुआ मध्य भारत, और पार्ट सी श्रेणी का विंध्य प्रदेश, ये तीन हुआ करते थे। चौथा जो क्षेत्र था मध्य प्रदेश का, वो कहलाता था भोपाल रियासत, क्योंकि भोपाल रियासत आजादी के बाद भारत में मिली थी, उस आजादी के जस्ट बाद ही भारत में नहीं मिल गए थे। तो यहां पर ये आपका भोपाल है, और भोपाल रियासत जो थी ये पार्ट सी श्रेणी का भाग हुआ करता था। राजधानी भोपाल ही थी और पार्ट सी श्रेणी, यहां नवाबों का शासन हुआ करता था, पार्ट सी श्रेणी का। तो इस तरह से कुल चार भागों में बटा था, सीपी बरार, राजधानी नागपुर, विंध्य प्रदेश, रीवा राजधानी भाग सी में, मध्य भारत इंदौर और ग्वालियर राजधानी भाग बी में, और भोपाल भाग सी। अब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में, और 1953 में जब आयोग बना तो इसने कुछ अपनी अनुशंसा की, और उसके आधार पर एक नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का गठन किस तरह से किया गया। तो उसके लिए फिर से हम देखें, जो मध्य प्रदेश था उसकी राजधानी अब बनाई गई भोपाल, यहां पर भोपाल है, लेकिन ये भोपाल अभी भी जिला नहीं बना था, ये तहसील थी। प्रशासनिक दृष्टि से देखें राजधानी थी, लेकिन तहसील थी सीहोर की तहसील हुआ करती थी। अब जब ये बनाया गया था, इस समय कुल 43 जिले शामिल थे मध्य प्रदेश में, कुल 43 जिले इसमें शामिल हुआ करते थे। जो महाराष्ट्र का भाग है, आज जो इस नक्शे में महाराष्ट्र का भाग दिखाई दे रहा है, इसके कुछ जिले थे जो कि पार्ट ए राज्य में शामिल थे, यानी कि सीपीएन बरार में शामिल थे, उनको वापस महाराष्ट्र को दे दिया गया। कौन कौन से जिले थे उनको देखें, तो वो थे अकोला अमरावती, बुलढाना, यवतमाल, वर्धा, चांदा, ये जिला, नागपुर जो कि राजधानी थी, नागपुर, भंडारा, ये जो थे, इन जिलों को तत्कालीन उस समय का मुंबई राज्य हुआ करता था,
महाराष्ट्र या गुजरात, उसका नाम नहीं था, गुजरात और महाराष्ट्र मिला के जो बनता था, मुंबई बंबई राज्य बनता था, उसको दे दिया गया। बाकी जो पूरा शेष क्षेत्र था, पूरा छत्तीसगढ़ और इन जिलों को ये यहाँ से निकालते हुए ये सारे जिले दे दिए गए महाराष्ट्र में, और बाकी शेष क्षेत्र मिला लिया गया मध्य प्रदेश में। दूसरा देखें, यहां पर है मंदसौर। मंदसौर के पास एक जगह का नाम है सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा में जो भानपुरा तहसील थी, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, उसमें सुनेल टप्पा को तो मध्य प्रदेश में मिला लिया, बाकी भानपुरा तहसील जो सुनेल टप्पा था उसको राजस्थान को दे दिया, माफ कीजिएगा, और बाकी पूरा जो था पूरा के पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला लिया। तो सुनेल टप्पा चला गया राजस्थान के अंदर, सुनेल टप्पा मंदसौर से ये चला गया राजस्थान में, ये चला गया राजस्थान में। अगला देखें, तीसरा जो मेजर इसके अंदर चेंज किया गया, पार्ट सी में जो विंध्य प्रदेश था वो एज इट इज पूरा के पूरा पार्ट सी मध्य प्रदेश में मिला लिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। साथ में राजस्थान की का एक कोटा जिला है, और कोटा जिले के राजस्थान का राजस्थान के कोटा जिले से एक तहसील हुआ करती थी सिरोंज, सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, और मध्य प्रदेश के भी विदिशा जिले में ये चेंज किया गया, और भोपाल रियासत पूरी की पूरी मध्य प्रदेश में मिला ली गई। तो इस तरह से जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया, फिर से देख लें, जो कुल स्टार्टिंग में 43 जिले थे जब गठन किया गया था, गठन के समय सीपी बरार के जो मराठी भाषी जो थे उनको मिला दिया गया महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ पूरा पूरा और जो प्रदेश था वो पूरा के पूरा मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, और बघेलखंड की जो रियासतें थी उनको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, विंध्य प्रदेश पूरा पूरा मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। पार्ट बी की बात करें तो मध्य भारत में से आपने सुनेल टप्पा राजस्थान को देके बाकी मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा राजस्थान को दिया, बाकी मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। राजस्थान का कोटा से हमने सिरोंज तहसील विदिशा जिले में मिला के बाकी पूरा मध्य प्रदेश में मिला दिया। तो इस तरह से जन्म हुआ मध्य प्रदेश का। अब जिलों की बात करें तो अभी तक 43 जिले हैं। 1972 में मध्य प्रदेश में दो नए जिले बने, दो जिलों का निर्माण हुआ। पहला जिला जो बना वो बना भोपाल, भोपाल, और दूसरा राजनंदगांव, राजनंदगांव जो कि पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ये दो जिले बने, जिला भोपाल 1972 में आके बना, उससे पहले तक जो भोपाल था सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। तो इस तरह से कुल जिलों की जो संख्या हो गई वो हो गई 45, कुल जिलों की संख्या हो गई 45, और ये बना 26 नवंबर 1972 में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 26 नवंबर 1972 में ये जिले। अब हो गए कुल जिले 45। अब देखते हैं अगला अमेंडमेंट या अगला कब हुआ, 1998 में एक समिति बनाई गई, बी आर दुबे समिति, और इस समिति की अनुशंसा पर 10 जिले बनाए गए, 10 जिलों का गठन किया गया। और फिर 1998 में ही एक और समिति बनाई गई, इस समिति का नाम था सिंह देव समिति, और इसकी अनुशंसा पर जो जिले का गठन किया गया, 6 जिलों का गठन किया गया। तो कुल 16 जिले उस समय तक हो गए। तो अब आप देखेंगे तो ये जिलों की संख्या बढ़ के हो गई 61, कुल जिले मध्य प्रदेश के अंदर हो गए 61, और 12 संभाग। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1998 में जो जिले बने वो था डिंडोरी बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर और उमरिया, ये 1998 में जिले बने। अब आप समझ साहब 16 जिले बने थे, लेकिन अधिकतर जो जिले थे वो छत्तीसगढ़ के थे और छत्तीसगढ़ में मिल गए थे। और ये जो मध्य प्रदेश था उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर वन राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में
सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। अब बात करें अगला इसका जो चेंज हुआ वो क्या हुआ। अगले चेंज में ये जो भाग हुआ करता था मध्य प्रदेश का, माफ कीजिएगा, ये वाला जो हिस्सा हुआ करता था मध्य प्रदेश का, ये वाला चला गया छत्तीसगढ़ के अंदर, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो था सीजी छत्तीसगढ़ अलग हो गया। और ये कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 में, सन 2000 में, और भारत का 26वां राज्य बना, भारत का 26वां राज्य बना। इसमें से 16 जिले जो थे वो नए राज्य में चले गए, तो मध्य प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या हो गई फिर से 45। 16 जिले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चले गए और जिलों की संख्या हो गई 45, और नौ संभाग रहे मध्य प्रदेश के अंदर, 9 संभाग रहे। फिर 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने। 15 अगस्त 2003 की बात करें तो 2003 को 3 नए जिले बने। पहला बना बुरहानपुर, ये बना खंडवा से। दूसरा बना अशोकनगर, ये बना अशोकनगर गुना से। और तीसरा बना अनूपपुर, और ये बना शहडोल से। ये 2003 की बात है। फिर एक और फिर जिले बने 2006 में, माफ कीजिएगा 2008 में। 2008 में जिला बना अलीराजपुर, ये बना झाबुआ से। फिर एक बना जिला सिंगरौली, दो जिले बने और सिंगरौली ये बना सीधी से। तो इस तरह से अब जिलों की संख्या 3 और 2, 5 मिलकर हो गई 50, कुल जिलों की संख्या हो गई 50। उसके बाद सबसे आखिरी में अभी लेटेस्ट जो जिला बना है वो बना है आगरमालवा। मध्य प्रदेश का सबसे लेटेस्ट जिला बना है आगरमालवा, और ये बना 2013 में। आगरमालवा जिला बना 2013 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और सबसे लास्ट में जो आगरमालवा जिला बना है ये बना है साजापुर से अलग। और संभागों की संख्या बढ़कर हो गई 10, और शेड्यूल जो है सबसे नया वाला संभाग बन गया। तो ये मध्य प्रदेश का पूरी तरह से विभाजन था। और वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर 51 जिले और 10 संभाग हैं। एक बार संभागों के नाम हम देख लें। संभाग है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, होशंगाबाद संभाग का नाम चेंज करके नर्मदापुरम, जबलपुर और शहडोल। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख भाग थे और प्रमुख जिले थे। आज का जो हमारा वीडियो है यही समाप्त होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगली चीज की, और इसको जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और इस पूरी सीरीज जो है आपको प्रति दूसरे दिन आपको एक वीडियो इसका मिलता रहेगा। इसी के साथ हमारी बात हम समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।